14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा स्वराज के नाम कई कीर्तिमान हैं जिसे अब देश याद करेगा। 1977 में जब वो 25 साल की थी तब वो भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी। उन्हें 1977 से 1989 तक सामाजिक कल्याण, श्रम और रोजगार जैसे 8 मंत्रालय मिले थे, जिसके बाद 27 साल की उम्र में 1979 में वो हरियाणा में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी थी। सुषमा स्वराज के नाम ही राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता होने का गौरव प्राप्त था उनको। और इसके अलावा सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष की पहली महिला नेता थी। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था। बीते 4 दशकों में वो 11 चुनाव लड़ी जिनमें 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीती भी। सुषमा 7 बार सांसद भी रह चुकी थी। तो सुषमा स्वराज के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। 14 फरवरी 1952 को उनका जन्म हुआ था। सुषमा स्वराज 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी। 1977 में सबसे कम उम्र की मंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। 1977 से 1979 तक सुषमा स्वराज को 8 मंत्रालय दिए गए थे। 1989 में हरियाणा में जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष बनी थी सुषमा स्वराज और दिल्ली की पहली महिला सीएम भी रही थी सुषमा स्वराज। तमाम कीर्तिमान जो उनके नाम है, आपको बता दें कि मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहद नाजुक हालत में उन्हें एम्स लाया गया लगभग रात 9 बजे, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके और देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को जंतर मंतर पर उनके आवास पर लाया गया और आज सुबह अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा और दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो तमाम कीर्तिमान सुषमा स्वराज के नाम है। दिल्ली की पहली महिला सीएम रही। राजनीति में ऐसा था सुषमा स्वराज का दम